असलम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग होपफुली सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो आज तो वीडियो का है पार्ट टू जो रमज़ान प्रिपरेशन की मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने कोई बेसिक से तैयारी कुछ की थी तो आज भी हम उसी से रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे आज मैं लेमन मेरे पास थे काफ़ी सारे और इसका हम जूस निकाल लेंगे और इनको भी मैं क्यूब्स में ना क्यूब्स के शेप में इनको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी तो मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है साथ में तो उस दिन मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और अभी तक ना गले बस सब के ख़राब हो रहे हैं फीवर वगैरह सबको हो रहे हैं तो <laughs> और लेमन जूस का आज करेंगे और इसके बाद इसके अलावा चटनियाँ बनाएंगे डिफरेंट तरह की ख़ुबानी की आलू बुखारे की और इमली की जो कि बड़े ही यूज़फुल होने वाली है रमज़ान के लिए अगर पहले से बना के रखें तो बहुत ही इजी है क्योंकि रमज़ान में तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना क्योंकि ये थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है इन चटनियों का तो काफ़ी मुझे टाइम लग गया था बनाते हुए भी इनको ना क्योंकि जो इमली की चटनी है उसमें फिर उसका पल्प ना अलहदा करके और गुटियाँ अलहदा करते हैं और फिर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके तो फिर पक पकाते हैं तो वो प्रोसीजर जो है ना वो काफ़ी लेंथी होता है तो टफ़ भी होता है ज़रा ना तो सबसे पहले हम बनाएंगे ख़ुबानी की चटनी और इसमें ये तकरीबन एक डेढ़ पाव के बराबर ख़ुबानी है ड्राई जो होती है इसको थोड़ी देर हमने पहले डिप करके रख देना पानी में ताकि जो भी अच्छी तरह से ऊपर मट्टी वगैरह लगी हुई है ना वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और ये लेमन जूस हमारा बन गया था और इसको अब मैं सारा ऐसे क्यूब्स में डाल के ना तो इसको मैं स्टोर कर लूँगी तो चटनियों का मैं बताऊँ आपको ख़बानी को फिर हमने आधा एक घंटे के लिए ना उसको हमने पानी में डिप करके रखना है उसके बाद ना उसको अच्छी तरह से वॉश करके तो फिर हम उसमें दो तीन गिलास पानी डाल के तो उसको पकने के लिए रख देंगे और जब उसको तीन चार आ, उबाले आ जाएंगे तो फिर इसको ना हमने थोड़ा सा ठंडा करके तो इसको ना फिर हमने ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह इसका जैसे पेस्ट सा बना लेना तो और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और वही पानी हम यूज़ करेंगे जिसमें हमने ख़ुबानी को ना बॉयल किया है तो बस बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का और देखें थोड़ा सा पानी हम मैंने ऐड किया है तो बस इस स्टेज पर ना इसमें कोई चीनी शक्कर वग़ैरह कुछ भी नहीं डालना सिर्फ इनको ब्लेंड ही करना है और अच्छी तरह से इसका पेस्ट सा एक बना लेना है और ये चटनी ना फ्रूट चाट में बड़ी यूज़ होती है और दही भल्लों और पकौड़ियाँ वगैरह अगर बनाए ना तो उसमें फिर वो इमली की चटनी यूज़ होती है ज़्यादा ये वाली चटनी स्पेशली उसके लिए हम बना रहे हैं फ्रूट चाट वग़ैरह के लिए ना फ्रूट चाट में ये अच्छी लगती है तो ये देखिए अब इसका ना ऐसे पेसा बन गया इसको खूब पकाना है और इसमें अब हम अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने चीनी डाल लेनी है इसमें चीनी ही हम डालते हैं शक्कर नहीं हम डालते तो जब चीनी डालेंगे तो फिर ये थोड़ा सा और इसका ये लिक्विड जो है ना वो ज़रा पतला होगा और जब चीनी अच्छी तरह से पक पकना शुरू हो जाएगी ना तो फिर ये थोड़ी सी थिक हो जाती है तो इसको अच्छी तरह से पका लेना ताकि इसमें कच्चापन जो है ना वो सारा दूर हो जाए तो वीडियो में थोड़ा इसका कलर येलो येलो सा लग रहा है लेकिन इतना होता नहीं है रियल में तो ये भी बड़ी मज़े की अच्छी से बन जाती है और जब ये ठंडी हो गई थी अच्छी तरह से तो फिर मैंने इसको एक जार में फिल कर दिया था और कोशिश करें कि शीशे का जार हो और बिल्कुल ड्राई हो ना उसकी उसके अंदर फिर आपने इसको सेव करके रखना है और दस पंद्रह दिन तो इसको कुछ भी नहीं होगा इन और कुछ मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थोड़ी सी बनी थी इसलिए मैंने थोड़े से ना इसको फ्रीज़ भी कर लिया था ऐसे क्यूब्स की शेप में ना आइस ट्रे में डाल के तो इसको थोड़ा सा मैं फ्रीज़ भी कर लूँगी और जैसे जैसे हमें रिक्वायर्ड होगी तो हम फिर उत उतना ना क्वान्टिट्टीज़ की यूज़ कर लेंगे ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं अगर हम ये वाली तैयारी हम पहले से कर लेना तो फिर हमारा रमज़ान में हमें बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है ना ये चाहिए भी ज़रूर होती हैं इनके बगैर फिर कहते हैं कि रोज़ा मतलब रफ्तारी में भी चीज़ों में यूज़ होती हैं उनके बगैर मज़ा भी नहीं आता तो फिर अगर ये पहले से सारी तैयारी की हो ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज़ें टाइम काफ़ी लेती हैं और ये जो इमली थी ना इसने तो बहुत ही ज्यादा टाइम लिया क्योंकि रात के तकरीबन हमें दो तीन बज गए थे तो <coughs> ये चटनियाँ बनाते हुए तो इसके बाद आलू बखारे की बनाएंगे और इमली की बनाएंगे ये हमने साथ ही इकट्ठे ही रख दी थी क्योंकि फिर हमने सोचा कि ज़्यादा हमारा टाइम ना वेस्ट हो तो हमने एक गैस पे हमने वो रख दी चटनी आलू बखारे की और एक तरफ हमने इमली की चटनी पकने रख दी और बस इनको बॉयल ही आने देना है अच्छी तरह से और आलू बुखारा जो है ना इसको तो काफ़ी पकाते हैं और उसमें शुगर भी काफ़ी ज़्यादा ऐड होगी क्योंकि उसी से ये फिर ये इसका पेस्ट सा थिक बनता है और ऐसे तार सी बनती है ना तो फिर उसी में इमली में भी हमने थोड़ा सा आलू बुखारा डाला है और इसको इमली की चटनी को ना हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाते तो थोड़ी सी रनी रनी सी होती है तो इसलिए ना फिर ये आलू चनों वगैरह में फिर हमारे बच्चे खाते हैं शौक से तो इस तरह से ये आलू बुखारे में हम अपनी एक आ, 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 इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं आलू बुखारे की चटनी में शुगर इसमें काफ़ी सारी जाएगी यानी कि दो कप के बराबर ना तकरीबन इसमें शुगर जाएगी और ये थोड़े से लवाजमात हैं जो हम चटनी में डालेंगे आलू बुखारे की चटनी हमने थोड़ी क्वांटिटी में बनाई थी वो बच्चों को खास पसंद नहीं है और बच्चों को यही वाली चटनियाँ अच्छी लगती हैं तो बस जी आलू बुखारे की भी बड़ी अच्छी घर में बन जाती है साफ सुथरी आप घर में अपने बच्चों को चीज़ें बना के दें ऐसी चटनियाँ भी घर में बनाएं और तैयारी जिसने अभी शुरू नहीं की वो भी कर दे शुरू और मैंने दूसरी भी काफ़ी सारी चीज़ें शुरू की हुई हैं इसलिए मैं थोड़े थोड़े पार्ट में वीडियो बना रही हूँ और थोड़ा थोड़ा काम मैं बिल्कुल कर रही हूँ तो मैं ना इतना ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकती और तबीयतें भी सबकी ख़राब हुई हुई हैं बच्चों की भी और बड़ों की भी और बस इमली का भी अब जो सारा ये पल्प्स है ना ये इसको हम मैं अलदा कर लूँगी और थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और इसको फिर हाथ की मदद से ना इसके सारी गुटलियाँ और अलग कर लेनी है और सारा जो पल्प्स है ना इसका वो अलग कर लेना है तो फिर उसको हम अच्छी तरह से करेंगे ब्लेंड ये वाला प्रोसीजर काफ़ी मुश्किल लगता है मुझे और इसमें फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी क्योंकि ये और ये वाली चटनी हमारी डन है अब आलू बुखारे की ना ये देखिए इसका सारा ये जो लिक्विड्स है ना इसका हो गया है गाढ़ा सा हो गया है। और वो चटनी तैयार है उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था तो ये वाली जो है ना टाइम टेकिंग है ये चीज़ अब हाथों की मदद से हम इसकी गुटलियाँ सब अलग कर लेंगे कुछ लोग ऐसे नहीं भी करते वो सिर्फ़ पानी ऊपर डाल के ना और अच्छी तरह से ऐसे हाथों से मसल लेते हैं लेकिन हमें लगता है कि ऐसे करने से ना इसका जो लिक्व ऐसे वो थिका बनता है ज़रा ना तो बस ये दूसरी चटनी हमारी ठंडी हो गई थी आलूबुखरे की और इसको मैं जार में डाल दूँगी देखें ये कितनी थिक सी हो गई है इसमें हमने कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया आ, सिंपल इसमें जो चीनी का शीरा सा होता है ना उसको ही पकाया अच्छी तरह और इसका गाढ़ा सा ऐसे पेस्ट बन गया खाने में ये बड़ी अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को ये ज़्यादा पसंद है और उन्होंने ये अपने लिए ये बनाई थी बच्चे नहीं ये खाते ये चटनी ना शौक़ से नहीं खाते और बस जी ये दो चटनी नंबर दो भी रेडी हो गई है तो अब इमली का भी साथ साथ प्रोसीजर चल रहा है और ये दो चट्टियाँ मैंने एक दिन में बनाई थी और एक चटनी मैंने एक दिन में बनाई थी और फिर जो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती है ना चटनी फिर उसको हम ना ज़रूर फ्रिज में ना आप उसको रखा करें क्योंकि फ्रिज में ना ये पूरा मंथ के लिए नहीं स्टोर कर सकते इसको ख़राब हो जाती है ये ना तो बस इसमें हमने कोई सिरका वगैरह कोई इस टाइप की कोई चीज़ नहीं यूज़ की तो बस ये चटनी हमारी रेडी हो गई है इसको जार बंद करके तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी और यहाँ पे जो इमली का सारा पल्प है ना पल्प है उसको मैंने कर लिया है ब्लेंड अच्छे से और ये क्वांटिटी में ज़्यादा थी तकरीबन हाफ़ के जी के बराबर ये इमली थी और इसका पेस्ट ना काफ़ी गाढ़ा सा बन गया इसमें हम ये गुड़ भी डालेंगे और थोड़ी सी चीनी भी ऐड करेंगे ये तकरीबन चार पीसीस थे गुड़ के और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी इसमें ये दड़ा मिर्च जो होती है ना वो डाली इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना तो और बस इसको अब पकना है इसने खूब सारा इसने पकना है और इसको पका पका के तो फिर इसमें भी हम कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे बस ये जैसी इसकी ओरिजिनल शेप होगी ना तो इसको ऐसे ही रहने देंगे देखेंगे पक पक के ना अभी भी सही तरह से पकी नहीं है ये अभी और इसको पकाएंगे तो जब बिल्कुल इसका कलर सारा ऊपर से ये सारी ये जो झाग सी है ना इसको उतार भी लेते हैं चम्मच से चम्मच की मदद से आप उतार भी लें और इसको खूब सारा पकाएं और ऊपर से ऊपर ऊपर से आपने सारी चटनी डाल लेनी है तो बस हम इसको ना इतनी गाढ़ी नहीं बनाते इस चटनी को बस ये थोड़ी सी लिक्विड सी ऐसे रहने देते हैं क्योंकि इसका ना हमारा यूज़ ही इस तरह से होती है कि हमें इस तरह ही चाहिए होती है तो बस इसको भी अब ठंडी थोड़ी हो गई थी तो इसको भी मैं जार में एक शिफ्ट कर दूंगी और जितनी भी जार में आएगी और बाकी जो चटनियाँ ना उसको हम सेव कर लेंगे फ्रीज कर देंगे क्यूब्स की शेप में ना तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो आ, आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग